गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को और विस्तार से समझने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ वाक्य हैं, उसको हमें पढ़ना है। मदन और विमल की बातचीत को पढ़िए। ठीक है, मदन और विमल ये क्या है, ये दो नाम है, अतः ये संज्ञा है। तो इनकी बातचीत को हम पढ़ेंगे सर्वनाम को और विस्तार से समझने के लिए। मदन और विमल की बातचीत है। मदन, आप कल कहाँ थे? ठीक है, मदन पूछ रहा है विमल से, आप कल कहाँ थे? तो ये विमल के लिए प्रयोग हुआ है, विमल शब्द के लिए आप प्रयोग हुआ है। तो विमल संज्ञा है, विमल नाम है, तो इसके लिए आप प्रयोग हुआ है, तो यतः आप ये सर्वनाम है। विमल, कल मैं पापा के साथ मामा के यहाँ गया था। विमल बता रहा है, कल मैं पापा के साथ मामा के यहाँ गया था। इसमें मैं शब्द क्या है, यह सर्वनाम है। फिर मदन, रिचा साथ नहीं गई थी। रिचा शब्द इसमें क्या है, संज्ञा है। विमल, नहीं वह नहीं गई, उसे एक छुट्टी नहीं मिली। ठीक है, रिचा शब्द संज्ञा है और ऋचा के लिए ही वह का प्रयोग किया गया है। नहीं वह नहीं गई, ऋचा के बारे में बता रहा है ना कि ऋचा नहीं गई, मतलब वह नहीं गई, मतलब ऋचा के बारे में बता रहा है। तो ऋचा संज्ञा है और ऋचा के लिए प्रयोग हुआ है, ऋचा के स्थान पर यह वह प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। और फिर उसे एक छुट्टी नहीं मिली, उसे शब्द भी है, ये भी ऋचा के लिए ही प्रयोग हुआ है, ऋचा के स्थान पर ही प्रयोग हुआ है, तो यह सर्वनाम है। मदन और मम्मी विमल, वे भी नहीं गई, उन्हें घर पर रहना पड़ा। मम्मी, मम्मी के लिए वे प्रयोग हुआ है, तो मम्मी के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है, वे सर्वनाम शब्द है। उन्हें, ये भी मम्मी के लिए प्रयोग हुआ है, उन्हें भी सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं, छह भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवा निजवाचक सर्वनाम। अब शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।